गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। देखिए मैं हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि मैं सानिया के साथ हॉस्पिटल में क्यों हूँ क्योंकि सानिया को पीलिया हो गया है। मैं इसको लेने आई थी तो डॉक्टर, इसको बुखार था, काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, तो मैं आई लेने तो फिर इसको बुखार था तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसको पीलिया हो रहा है, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आपको एडमिट करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ये सानिया थी। मैं आपको दिखा रही थी सानिया और बस ऐसे ही परेशानियाँ थोड़ी चल रही थी, थोड़ा परेशान थी तो ब्लॉग भी कम डाल रही थी, और ब्लॉग तो कम ही डालती हूँ आप जानते ही हैं क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं पाता, मगर कोशिश करती हूँ जब भी मिले तो ब्लॉग भी बनाऊँ। आज मेरा ब्लॉग हॉस्पिटल से शुरू किया मैंने मॉर्निंग से, और अभी सानिया को कल ही मैं एडमिट हुई हूँ, तो कल ही हम आए, सोमवार को दिखाया था, फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, टेस्ट के बाद फिर रिपोर्ट में आया तो कल ही एडमिट कर दिया था। तो कल दोपहर की 3-4 बजे करीब हम एडमिट हो मतलब करवा दिया था बेटी को एडमिट। मम्मी के यहीं पर हूँ मैं क्योंकि मेरी मम्मी के घर के पास में ही ये हॉस्पिटल है, जो मोती बाग में रहता होगा वो तो जानता है, जो जो दूर दूर रहता है वो तो नहीं जानता है कि ये चरक पालिका हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं एडमिट बेटी के साथ हूँ। तो ये देखिए सानिया है, इसके हाथ में लगे पता लग रहा होगा आपको, बस आप दुआएं करना जल्दी से ठीक हो जाए। सानिया आपको हेलो कर रही है, आप बस दुआएं करना मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, अपने स्कूल जाए, क्योंकि देखिए आप जानते हैं स्कूल बहुत ज़रूरी है और मिस करना तो बहुत बड़ी टेंशन है। थोड़ा गुस्सा कर रही है कि वीडियो क्यों बना रही है हॉस्पिटल से, ऐसे ही आजकल के बच्चे एक्स्ट्रा सोच वाले, बस थोड़ा परेशानी में ज़िंदगी गुजर रही है, थोड़ा घर की स्थिति भी ऐसी चल रही है परेशानी में, और कुछ अब सानिया कैसी काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी तो सोच रहे थे ठीक हो जाएगी, भगवान बस ठीक रखे इसको, तो पता नहीं था कि इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। फिर मेरे को आने भी नहीं दे रहे थे, मम्मी पापा कह रहे थे अभी छुट्टी ख़त्म नहीं हुई है तो रुक जा, ये भी बोल रही मम्मी अभी मत आना, मेरी छुट्टी ख़त्म होगी तो उसके आसपास आना लेने। अब मैं संडे को आ गई थी, संडे की शाम को आ गई थी और मंडे को मैं इसको लेकर आई क्योंकि इसकी पहले दिक्कतें चल रही थी, तो उसके वजह से मैंने सोचा चलो वो पूछ लेती हूँ कि दोबारा अगर कोई दिक्कत ऐसी होती है तो क्या मैं ये दवाई रिपीट कर सकती हूँ। तो उसी बीच मैंने डॉक्टर को कह दिया इसको बुखार हो रहा है, तो डॉक्टर ने देखा तो कहा पी लिया है बच्चे को, तो फिर टेस्ट लिखे, तो टेस्ट करवाए, फिर टेस्ट में आया उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा, अब तुम सोच लो क्या करना है। तो क्या करूँ, क्या सोचूँ, क्या बोलूँ, जो है अब तो सब चीज़ों के साथ लड़ना और झगड़ना पड़ता ही है, और लाइफ से तो भाग नहीं सकते, परेशानियों से भी नहीं भाग सकते, तो बस सोचा बेटी का पहले इलाज कराए क्योंकि घर बैठे तो कोई इलाज नहीं होता, आप भी जानते हैं, क्योंकि घर बैठे बच्चे ना तो सुनते हैं, वैसे ही नहीं सुनते मानते, अब हॉस्पिटल में रहेंगे तो हर चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और दवाइयाँ खाना ना भी नहीं खाएंगे तो डॉक्टर से शिकायत लगाएं तो कहीं ना कहीं डांट से खा लें, क्योंकि आजकल के बच्चों का खाना नहीं समझ आता, घर का खाना तो खाते नहीं और बाहर की चीज़ों को शौकीन से खाते हैं, और घर की खाने को तो मन में आया तो ज़्यादा खा लिया, मन में नहीं आया तो कम खा लिया, अब ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल खाने में भी कोई प्रोटीन नहीं है और खाने को ही तुम ढंग से ना खाएं तो स्वास्थ्य में तो थोड़ी सी गड़बड़ा आएगी। समझाती रहती हूँ जरूर से अभी तक, क्योंकि इसको पहले से ही बहुत कमज़ोरी है, इसका लीवर भी कमज़ोर है, बचपन से ही बहुत कमज़ोर है, मैंने 1.5 साल इसका पहले भी इलाज चलाया था, तो जब तो उसको विटामिन डी की कमी थी, फिर भी मैंने कैसे कैसे इसका इलाज कराया है, 1 साल 1.5 महीना मतलब करवाया मैंने इलाज, उसको समझाती थी कि बेटा लीवर कमज़ोर है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम खानी है और घर की चीज़ें हद से ज़्यादा खानी है, जिससे
कोई दिक्कत ना आए, तो बस ऐसे बाहर की आवाज़ थोड़ा माइंड मत करना, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में हूँ तो थोड़ा शोर शराबा आ रहा है। आप जानते हैं मेरे हाथ में खुद यही है जो मैं इसे संभालती हूँ, अपने खुद देखती हूँ, तो प्लीज़ बस वीडियो को आप सपोर्ट करें और अपना साथ देते रहें, जिससे मैं अपनी बेटी के लिए आगे की लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ और कुछ अच्छा हो पाए। बस थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है लाइफ, क्या कह सकते हैं। बस आप दुआएं करें और ऊपर वाले से भी यही दुआ है कि बस ज़िंदगी में उलझने दे, इतनी दे कि बस उस उलझनों से लड़ सकें, क्योंकि बहुत थक गई लाइफ से बहुत ज़्यादा। बस ज़िंदगी ऐसी गुजर जाए, हंसती बोलती बस यही सोचते हैं कि बस लाइफ अच्छी गुजर जाए। सब चीज़ों में परेशानियाँ आए मगर क्या कर सकते हैं, परेशानियों से तो लड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। इन परेशानियों से घबराएंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। बस अभी इस मॉर्निंग है, उठे और आप साथ दें प्लीज़ यूट्यूब फैमिली। मैं बार बार बोल रही हूँ यूट्यूब फैमिली अपना सपोर्ट करें, जिससे मैं अपनी बेटी का कुछ अच्छा इसके भविष्य का कर सकूँ, ये ठीक ठाक रहने लगे। यही दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करना। मम्मी भी कल आई थी तो मम्मी थोड़ा दोपहर में आई थी फिर चली गई थी। अभी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, शुगर की दिक्कत है मम्मी को। और मम्मी पापा तो मेरे ऐसे ही थोड़ा उम्र से हो गए तो इसलिए भी उनका इतना ज़रूरी नहीं है परेशान होना। मैं ही बहुत उनकी बेटी के लिए परेशान होने के लिए उनको क्यों परेशान करूँ, वो ऐसे ही क्यों परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, इसलिए मैं ही हूँ अभी तो फिलहाल साथ में। बस ये ठीक हो जाएगी तो फिर मैं घर चली जाऊँगी। और अभी तो आज देखते हैं, इसके पापा ने वैसे इसके पापा कल ही कह रहे थे आने के लिए, मैंने आने नहीं दिया, मैंने कहा रात हो रही है आओगे फिर जाने में भी टाइम लगता है, आने जाने में टाइम हो जाता है, तो मैंने कहा आप सुबह आ जाना कल, तो वो आज आएंगे। अब कितने टाइम पे आएंगे ये तो पता नहीं, बार आएंगे तो देखते हैं कब आते हैं। मम्मी भी बोल रही थी उनकी आने के लिए, तो वो तो सुबह तो नहीं, अभी वहाँ से निकलने में भी टाइम लगता है, दूर है, इसलिए बस आप अपने साथ देना, सपोर्ट करना। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ, बाय बाय।